हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ फरजीन। वेलकम टू फरजीन्स फूड मैजिक। आज हम बनाने वाले हैं चिकन दरबारी। बहुत ही अच्छी रेसिपी है और ये ग्रेवी बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है। तो चलिए इसे बनाने का तरीका देखते हैं। मैंने इस रेसिपी में चिकन दरबारी का जो मसाला होता है ना, ऑथेंटिक, वो भी यहाँ पे बताया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले से खड़े मसाले देख लेते हैं। हाफ टी स्पून लौंग, एक टी स्पून भर के काली मिर्च, एक मेज का टुकड़ा, एक चम्मच भर कर मैंने सौंफ ली है, और एक दालचीनी का बड़ा टुकड़ा, और यहाँ पर बादाम ले लिया है, पील करके ले लिया है इसे मैंने, ताकि ग्रेवी जो है ना थोड़ी सी थिक बननी चाहिए। अब एक पैन को मैंने गरम कर लिया है और इन सारे मसालों को ना हम अब ड्राई रोस्ट कर लेंगे, और एक ही मिनट के लिए हमें इसे करना है लो फ्लेम पर, ताकि इसकी जो ऑयल्स है वो इंटैक्ट रहे। हल्का भून लेने के बाद इसे ठंडा कर लेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो दरबारी जो मसाला है वो हमारा रेडी हो जाता है। कुछ मसाले हमारे पास में जैसे कि साबुत, धनिया, जीरा, ये सब ऑलरेडी पिसा हुआ होता है, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। अब यहाँ पर ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 बड़ी प्याज ले ली है, रफली चॉप किया है, और इसे अब थोड़ा गोल्डन कलर आने तक इसे भून लेंगे। प्याज जो है देखिए इसे कलर आने लगा है, तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर भी मैंने रफली चॉप कर लिया है, 2 बड़े टमाटर ले लिए हैं, और इन सबको अच्छे से गल जाने के बाद में इसे भी ठंडा करके आपने ग्राइंड कर लेना है। अच्छा, जो ये दरबारी मसाला हमने अभी बनाया है ना, ये आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं फर्दर यूज़ के लिए। जब कभी आपका मन करे आप डायरेक्टली मसाला डालकर सालन बना सकते हैं इसका। अब यहाँ पे चिकन को हम मैरिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है, इसमें अच्छे से कट्स वगैरह लगा लिए हैं। इसमें ऐड कर देंगे नमक और बाकी बचे हुए मसाले। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड किया है। साथ ही हम इसमें लाल मिर्ची भी ऐड कर देंगे। लाल मिर्ची जो है कश्मीरी ऐड कीजिएगा, ताकि अच्छा ब्यूटीफुल रेड कलर उसमें आए ग्रेवी में। यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच के करीब करीब ऐड किया है। थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हमें रेड कलर ज़्यादा चाहिए तो हल्दी बहुत कम डालेंगे हमने। फिर यहाँ पे जो हमने भी मसाले ऐड किए थे ना, दरबारी मसाला जो हमने बनाया है वो भी इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा दही। दही मैंने यहाँ पे 1 कप यानी कि तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब करीब होगा। अब इन सब को ना अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे चिकन पे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब अगर आपके पास वक्त है तो आप इसे ओवरनाइट इसे मैरिनेट करके आप रख दें, या फिर एटलीस्ट आधा घंटा रख दें, और अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली इसे बनाने ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ले लिया है बनाने के लिए, मैंने मैरिनेट करके नहीं रखा है। तो यहाँ पे मैंने तेल ले लिया, उसमें पहले चिकन के पीसेस जो है वो हम अच्छे से इसमें भून लेंगे, ताकि चिकन जो है अच्छे से पक जाए पहले। अब जो प्याज और टमाटर का पेस्ट हमने बनाया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसे अच्छे से हमें तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है। लास्ट में ना हमने इसमें ऐड कर देना है कसूरी मेथी थोड़ी सी क्रश करके, और इसे 2 से 3 मिनट एक अच्छा बॉईल ले लेंगे। ग्रेवी आप देख सकते हैं कितनी थिक बनी है, कुछ इस तरीके से बनेगी आपकी ग्रेवी। अगर आप और सुखाना चाहते हैं तो आप और सुखा सकते हैं इसे। मैंने इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की ही रखी है। फाइनल गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है हरी मिर्च और हरी धनिए की पत्ती के साथ, और इसे सर्व करें गर्मा गर्म चपाती या रोटी के साथ, बहुत ही बेहतरीन लगती है। इन सबको क्विक स्टर दे देंगे और इसे सर्व कर देंगे। इस ग्रेवी को ना अगर आप बटर नान या कुलचा के साथ ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत ही मज़े की लगेगी, बहुत ही टेस्टी। इसका टेस्ट निखर कर आता है, बहुत ही टेस्टी लगती है ये ग्रेवी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको कोई रेसिपी मुझसे चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं एक न्यू सिंपल रेसिपी के साथ। Till then, stay tuned with Fazeen's Food Magic for more such videos. Take care. Bye-bye.